Namaste friends, welcome to my channel Biology Bite and this is Short Tricks with Biology Bite. Friends, आज हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट ट्रिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की, जिसमें जो फंगस के डिफरेंट टाइप्स है उसके सारे के सारे एग्जाम्पल आज हम लोग एक दो सेंटेंसेस में याद कर लेंगे. तो सबसे पहले तो जितने भी डिफरेंट टाइप के फंगसेस हैं, जैसे कि फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, इन चारों के हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लेटर्स जो है वो लिख लेंगे. ओके, तो एक बार हमने जब फर्स्ट लेटर्स लिख लिए इन सबके नाम के, तो चलिए हम लोग जल्दी से एग्जाम्पल याद करना शुरू करते. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हमारी फर्स्ट सेंटेंस होगी, मेनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहास पार्टी. मेनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहास पार्टी. मेनी रैबिट्स, मेनी के एम से हो जाएगा म्यूकर, रैबिट के आर से हो जाएगा राइजोपस, और आर मेनी रैबिट्स आर आर के ए से हो जाएगा एल्ब्यूगो. तो हम लोग सबसे पहले फाइकोमाइसिटिस के एग्जाम्पल तीनों की तीनों ऐसे याद कर लेंगे कि मेनी रैबिट्स आर, मेनी के एम से म्यूको, रैबिट के आर से राइजोपस, आर के ए से एल्ब्यूगो. मेनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहास पार्टी. कमिंग एट नेहास पार्टी से हम लोग याद करेंगे एस्कोमाइसिटिस के सारे एग्जाम्पल. तो कमिंग के सी से हो जाएगा क्लेविसेप्स, कमिंग एट एट के ए से हो जाएगा एस्पर्जिलस, कमिंग एट नेहास पार्टी, नेहा के एन से हो जाएगा न्यूरोस्पोरा, नेहास पार्टी, पार्टी के पी से हम लोग याद करेंगे पेनिसिलिन, और पार्टी के लास्ट लेटर वाई, पी आर टी वाई, वाई से हम लोग याद करेंगे ईस्ट. तो हम लोग एस्कोमाइसिटिस के सारे एग्जाम्पल ऐसे याद कर लेंगे कि कमिंग एट नेहास पार्टी, सी से हो जाएगा क्लेविसेप्स, एट के ए से हो जाएगा एस्पर्जिलस, नेहा के एन से हो जाएगा न्यूरोस्पोरा, पार्टी के पी फर्स्ट लेटर से हो जाएगा पेनिसिलिन, और पार्टी के लास्ट लेटर वाई से हो जाएगा ईस्ट. एक बार हम लोग ने फर्स्ट टू कैटेगरी के एग्जांपल याद कर लिए, तो बस जाएंगे लास्ट टू, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस. तो चलिए देख लेते हैं हम कि बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस के एग्जांपल हम लोग कैसे याद करेंगे. तो इन दोनों के एग्जांपल याद करने के लिए जो सेंटेंस होगी वो ये होगी कि मेनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहास पार्टी, पार्टी हैज उल्लू एंड कैट. पार्टी हैज उल्लू एंड कैट. तो चलिए देख लेते हैं बेसिडियोमाइसिटिस एग्जांपल हम लोग कैसे याद करेंगे इस सेंटेंस से. तो पार्टी के पी से हो जाएगा पिसिनिया, पार्टी हैज उल्लू, उल्लू के यू से हो जाएगा यूस्टेलिगो, पार्टी हैज उल्लू एंड, एंड के ए से हो जाएगा अगेरिकस, पार्टी हैज उल्लू एंड कैट. अब कैट से हम लोग याद कर लेंगे ड्यूटेरोमाइसिटिस के एग्जाम्पल. तो कैट के सी से हो जाएगा कलेक्टोट्राइकम, कैट के ए से हो जाएगा ऑल्टरनेरिया, और कैट के टी से हो जाएगा ट्राइकोडर्मा. तो फ्रेंड्स, इस सिंपल से सेंटेंस से हम लोग फंगस के सारे एग्जांपल याद कर लेंगे. तो सेंटेंस क्या थी, मेनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहास पार्टी, पार्टी हैज उल्लू एंड कैट. मेनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहास पार्टी, पार्टी हैज उल्लू एंड कैट. इस सिंपल से सेंटेंस से हम लोग ने याद कर लिए फंगस के सारे एग्जांपल्स. ओके फ्रेंड्स, तो मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बतानी थी कि अब से मैं जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं और उसके साथ साथ मैं थोड़े नोट्स भी अपनी वेबसाइट पर डालूंगी. आप वहां से सारी शॉर्ट ट्रिक्स देख सकते हैं और सेव कर सकते हैं. उस वेबसाइट का लिंक मैं एक दो दिनों में अपने फेसबुक पे शेयर कर दूंगी. तो बाय फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम बायोलॉजी बाइट.